सो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बताने जा रहे हैं सोयाबीन सिख कबाब, जो कि इसको वो पंजाब में वड़ी भी कहते हैं, सोया चाप भी कहते हैं, पर ये छोटा वाला है तो सोयाबीन। तो आज इसका हमने सिख कबाब बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिए किस तरीका से बनाने जा रहे हैं। ये हम पहले सोयाबीन लिए हैं, इसमें पानी में इसे उबाल करके रखना पड़ता है, और इसके बीच में मसाला डाला जाता है, हल्दी, नमक, जीरा जो, और लहसुन का पेस्ट ये डाला गया, और गरम मसाला इसमें थोड़ा आता है। ये देखिए कीमा करके तैयार हो गया दोस्तों। अगर आप लोग को और भी अच्छी तरीके से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि बढ़िया वीडियो आप लोग के लाएँ के लिए लेकर आएँ और आप लोगों के दिखाएँ। तो ये देखिए हमारे सीख कबाब तंदूर में, जो कि पकाने के लिए जा रहा है, ये देखिए डल गया तंदूर में। तो आप होटल की ये रेसिपी और डिशेस हैं जो आप लोग के बीच में शेयर कर रहे हैं, और ये घर पे भी इसी तरीक़े से बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको तंदूर चाहिए होगा, जो इलेक्ट्रिक की तंदूर से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीक़े से देखिए हमारे बेसिक कबाब तैयार हो चुका है, और आगे के लिए जाने के लिए तैयार है, जो कि एक पार्सल होकर के जा रहे हैं लेकर के। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो इसी तरीक़े से लेके आए, आप लोग को दिखाएं, और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम अच्छे वीडियो बनाएं और आप लोग के बीच में लेके आए। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीक़े से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी आप लोगों के बीच